नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ सकें, देख सकें, सीख सकें। ठीक है, चलते हैं आज के विचार पर। आप लोग शेयर करके आइए, इतने हम विचार पढ़ लेते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम हो तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। आपको क्या करना है? बहुत अच्छी लाइन है ये, इनसे बहुत सीख लेनी है। हर लाइन से अलग अलग तरह की सीख लेनी है। आपको अपने अंदर ऐसा विश्वास भरना है, ऐसा बहुत ही ज़्यादा अटूट विश्वास भरना है कि भाई हमें क्या करना है, अपनी एक मिसाल बनानी है। मिसाल दो तरह से बनती है, एक अच्छी और एक बुरी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसलिए मिसाल को अच्छी बनाना है, बुरी नहीं बनाना है हमें। बुरी तो दुनिया बना रही है, हमें तो अच्छी बनाना है भाई। अच्छी एक मिसाल बनानी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो अपने अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा विश्वास भरने की ज़रूरत है आपको कि हम हर काम कर सकते हैं। और क्या करना है आपको अपने, अब भाई चोर जो होते हैं वो निशान नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम चोर कोई हैं? हमें तो क्या करना है, निशान छोड़ने हैं अपने। ऐसा बनना है हमें कि लोग बाद में हमारे पद चिन्हों पर चलें, आस पड़ोस के लोग हमारी कॉपी करने की कोशिश करें और उनसे वो भी ना हो। ऐसा बनो कि लोग आपकी कॉपी करें और उनसे वो भी ना हो सके। ठीक है, जिंदगी जीने में मज़ा तभी है। चलिए चलते हैं प्रश्न पर, देखते हैं कौन किसकी कॉपी करता है आंसर की। प्रश्न है हमारा, अपील किस भाषा का शब्द है? जल्दी से आंसर दीजिए, एक नई ऊर्जा के साथ बैठिए और एक नई ऊर्जा के साथ आंसर दीजिए। अपील किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का, फारसी भाषा का, चीनी भाषा का या जापानी भाषा का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए हैं सेशन में, लास्ट तक बने रहिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अपील किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आवेदन पत्र के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा। अब फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं? आराम होता है, किनारा होता है, जल्दी होता है और खूबसूरत शब्द भी फारसी भाषा का ही होता है। ठीक है, चीनी भाषा का शब्द कौन सा है? लीची है। जापानी भाषा का शब्द कौन सा है? रिक्शा है। ठीक है, सभी एग्जाम्पल तो यहाँ पर नहीं लिए जा सकते, लेकिन कुछ बता दिए हैं मैंने। अपील जो है ये अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। साम दंड दाम दंड भेद सब अपनाना है और बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है हमारा, मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। ऑप्शन बी है हमारा, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता।
ऑप्शन सी है हमारा, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। ऑप्शन डी है, प्रत्येक श्रमिकों को दो दो रुपया मिले। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्या होगा इसका शुद्ध। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत बनते हैं और वहां पर समझ में नहीं आता है हमें कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। पहले से हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन हमारे गलत कैसे हैं। ठीक है, सही से इतना सीखने को नहीं मिलता जितना गलत से मिलता है। ठीक है, इसलिए गलत पहले देख लेते हैं कि ये जो गलत हैं ये कैसे हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। आपने कभी देखा है 8-10 रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला के साथ खाया लगा है, या 8-10 हैं तो रसगुल्ला लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 8-10 रसगुल्ले खाए। ठीक है, समझ लेना क्या लिखा हुआ है ये, 8-10 रसगुल्ले खाए, ये होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। ठीक है, जब हवा का झोंका आया है, आंधी कोई चल रही है तो हल्की सी इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारा, प्रत्येक श्रमिकों को दो दो रुपए मिले। अब दो दो रुपए मिले हैं तो श्रमिकों क्यों लग रहा है, जब प्रत्येक भी लगा हुआ है और दो दो भी लगा हुआ है तो क्या होगा, श्रमिक। प्रत्येक के साथ बहुवचन का प्रयोग नहीं करते, क्या होगा, श्रमिक होगा। प्रत्येक श्रमिक को दो दो रुपए मिले। ठीक है, प्रत्येक के साथ श्रमिक को नहीं लगाएंगे, क्या होगा, प्रत्येक श्रमिक को दो दो रुपए मिले। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ले खाए, इतने में हवा का एक झोंका आया। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही था ही। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मगही किस प्रदेश की बोली है। आपको बताना है मगही किस प्रदेश की बोली है, मध्य प्रदेश की है, बिहार की है, राजस्थान की है या छत्तीसगढ़ की है। जल्दी से आंसर दीजिए, मध्य प्रदेश की है, बिहार की है, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की है। मगही किस प्रदेश की बोली है। आप सभी को पता है और मैंने ये पढ़ाया भी है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इसका आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, बिहार। ठीक है, मगही बिहार की बोली है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं और ऑप्शंस को भी हमें जानने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, जिसमें जानने की इच्छा होती है उसके लिए एक शब्द बताना है हमें, क्या होता है। वैसे विद्यार्थी का एक ही गुण है सबसे अच्छा, वो क्या है, जानने की इच्छा जिसमें होती है। ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासु जो है वही विद्यार्थी है। जिसमें जानने की इच्छा ही नहीं है, जिज्ञासु ही नहीं है, वो कोई विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जिज्ञासु बनो, जानने की इच्छा रखो। कमेंट बॉक्स में प्रश्न रखा करो अपने, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ भाई तुम्हें जानने की इच्छा है। मुझे तो यही लगेगा आपको जानने की इच्छा नहीं है, क्योंकि आप कुछ पूछते ही नहीं हो, आपको या तो सब आता है या तो फिर आप समझ ही रहे होंगे। तो जिसमें जानने की इच्छा होती है उसे कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है,
अब ऑप्शंस देख लेते हैं। जितेंद्र किसे कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, ठीक है, उसे कहते हैं जितेंद्रिय। अज्ञेय किसे कहते हैं? अजय, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। जलचर किसे कहते हैं? जो जल में विचरण करता हो उसे कहते हैं जलचर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। डी ऑप्शन यहाँ सही था हमारा। प्रश्न है हमारा, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आसान है, जल्दी से आंसर दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आसान प्रश्न है तो महत्वपूर्ण नहीं है, उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंबर ये भी उतने ही देगा जितना कोई कठिन प्रश्न देगा, ठीक है। और जहाँ तक मेरी सोच है, एग्जाम में आसान प्रश्न ही ज़्यादा गलत होते हैं। कठिन तो यदि आपके गलत हो रहे हैं तो सबके ही गलत होंगे, लेकिन जो आसान गलत कर देता है वो थोड़ा उसका रिजल्ट पीछे रह जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यह क्या होगा? सर्वनाम होगा। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यह है घोड़ा, कौन सा घोड़ा पता नहीं है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और इसे देसी भाषा में कह सकते हैं, जो सबके नामों के स्थान पर प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। राम के नाम पर भी हो जाएगा, घोड़े के नाम पर भी हो जाएगा, गीता के नाम पर भी हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं आपको पता ही है, किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। किसी वाक्य में पाए जाने वाला वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। अब अव्यय देख लेते हैं, जो किसी वाक्य में या किसी शब्द में पहले जुड़ा हुआ हो जिसका कोई अर्थ ना हो, या किसी वाक्य में जुड़ा हुआ हो जिसका कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं अव्यय, ठीक है। फालतू का शब्द उसे अव्यय कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया? जानकी मंगल है, जानकी भारत है, वरेव रामायण है, या अंधेर नगरी है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, कौन सा नाटक है ऐसा जिसमें उन्होंने स्वयं अभिनय किया है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, जानकी मंगल। जानकी मंगल जो है ये ऐसा नाटक है जिसमें भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था। इसकी विषय वस्तु रामचरित्र मानस पर आधारित है, ये उसी पर आधारित रामकथा है। बस क्या फर्क है, ब्रजभाषा के स्थान पर इसमें क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जानकी मंगल में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हिंदी की ब ध्वनि है, ब ध्वनि के बारे में पूछा है। दंत ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है, कैसी ध्वनि है ये आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कैसी ध्वनि है वह। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जब कई सारे वर्ण देता है वो तो बताना आसान पड़ जाता है, लेकिन जब एक ही देता है, एक ही वर्ण का पूछ ले,
तो क्या होता है बताना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, कई सारे वर्णों को बोल के देखना आसान होता है लेकिन एक का थोड़ा कठिन होता है। जल्दी से बताइए, चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ओष्ठ ध्वनि होगी बै हमारी। यदि इसमें ही ये वाला बै होता, वे वक वाला वे होता तो क्या होता पता है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो हम क्या लगाते हैं ऑप्शन में, कौन सी ध्वनि होती वो, उसका उच्चारण स्थान क्या होता? यदि ये वाली बे है तो उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ ध्वनि है ये। और यदि वैवक वाली वे है तो उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत ओष्ठ। बोल के देख लीजिए, वे दंत ओष्ठ है और बे ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, तालव्य ध्वनि आपको पता है क्या है? चयवर्ग तालव्य ध्वनि है। ठीक है, चयवर्ग मूर्धन्य ध्वनि आपको पता है, टयवर्ग मूर्धन्य ध्वनि है। और दंत ध्वनि मैंने कल ही बताया था, तय थे दे धे ने, ये दंत ध्वनि है। ठीक है, से भी दंत ध्वनि में आता है, ये वाली से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मोर का पर्यायवाची बताना है क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कलापी, तड़ित, विशिख, विलक्षण, कौन सा है मोर का पर्यायवाची? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर आप अपना अपना लगाइए कौन सा होगा मोर का पर्यायवाची? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, कलापी क्या है वो मोर का पर्यायवाची है। और जो इससे अलग भी पर्यायवाची हैं मोर के, वो क्या है? मयूर है, सिखी है, नीलकंठ है। मोर को नीलकंठ भी कहते हैं भाई, नीला कंठ होता है ना मोर का, इसलिए मोर को नीलकंठ भी कहते हैं। ये मोर का पर्यायवाची है, आगे कभी आ जाए तो नीलकंठ। तड़ित जो होता है ये किसका पर्यायवाची है? दामनी, बिजली, बिजली को चपला भी कहते हैं। ठीक है, विशिख किसका पर्यायवाची है? वाण का। ठीक है, वाण, ये विशिख, वाण, इशु, यह सर का पर्यायवाची है। ठीक है, विलक्षण किसका पर्यायवाची है? पंडित का पर्यायवाची है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध बताना है आपको, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या होगा विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, माधुरी गुणवान नायिका है, गुड़िया तेज चलती है, अमित चतुर बालक है। पहले हम इसमें क्या करेंगे, विशेषण देख लेंगे क्या क्या विशेषण है। ये क्या हो गए? विशेषण हो गए। अब हमें ये देखना है कौन सा अशुद्ध है विशेषण की दृष्टि से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रश्न आसान लग रहे हो या कठिन लग रहे हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, प्रश्न महत्वपूर्ण बहुत है इस बात से फर्क पड़ता है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या है बी ऑप्शन? अशुद्ध है। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये बुद्धिमान व्यक्ति के आगे लगा हुआ है तो बिल्कुल सही है। गुड़िया तेज चलती है, तेज विशेषण लगा हुआ है, ये भी सही है। अमित चतुर बालक है, ये भी सही है। लेकिन क्या है, माधुरी जो है ये स्त्री है, माधुरी गुणवान नायिका है, तो इसके उसके साथ क्या लगेगा विशेषण? जल्दी से बताइए क्या विशेषण लगना चाहिए इसके सामने, माधुरी के साथ क्या लगेगा? क्योंकि ये स्त्री है और स्त्री के साथ स्त्रीलिंग
प्रयोग होगा तो गुणवती लगेगा, ठीक है, गुणवती होगा, गुणवान नहीं होगा। माधुरी गुणवती नायिका है, गुणवान नायिका नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो प्रश्न गलत करवा देती हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। माधुरी जो है वो गुणवती होगी, गुणवान नहीं होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, सकर्मक क्रिया पूछी है। सकर्मक का मतलब है कर्म के साथ, सीधी भाषा में जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, या सीधी भाषा में आप ये बोल सकते हैं कर्म के साथ जो क्रिया लग रही हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए, राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कौन सा सही है, सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। मैंने अभी बताया है सकर्मक क्या होता है, कर्म पर जिसका असर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं, आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सतीश ने केले खरीदे। अब कैसे होगा डी ऑप्शन, एक बार ये देख लेते हैं हम। राजू सदा रोता रहता है, क्रिया जो लगी है हमारी किसके अकॉर्डिंग लगी है, कर्ता के अकॉर्डिंग लगी है, राजू के अकॉर्डिंग लगी है, राजू सदा रोता रहता है, ठीक है। हरीश बस पर चढ़ गया किसके अकॉर्डिंग लगी है, हरीश के अकॉर्डिंग लगी है। कैलाश छत से गिर पड़ा किसके अकॉर्डिंग लगी है, कर्ता के अकॉर्डिंग लगी है। क्या हो गए, ये अकर्मक हैं या कृतवाच्य हैं, इन्हें अकर्मक क्रिया भी कहते हैं, कर्म के अकॉर्डिंग नहीं लगी है इनमें, किसके अकॉर्डिंग लगी है इन तीनों में, कर्ता के अकॉर्डिंग लगी है, ये कर्मक वाक्य हैं। सतीश ने केले खरीदे, केले खरीदे, केले के अकॉर्डिंग खरीदे लग रही है, ठीक है, सतीश के अकॉर्डिंग नहीं लग रही यहाँ पे, सतीश ने केले खरीदे, ये क्या हो गया, कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया लग रही है तो सकर्मक वाक्य है, ठीक है। आशा करती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आया होगा और आपको पहचानना भी आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आचार्य महावीर प्रसाद द्वेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ पूछा है, वो भी किसके द्वारा रचित, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। आपको बताना है कौन सा है, अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र। कौन सा ऐसा, कौन सी ऐसी रचना है जो अर्थशास्त्र पर आधारित है और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, आपको बताना है आंसर। चलिए आंसर ले लेते हैं, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, जिसको आता है उसका आंसर, जिसका नहीं आता उसके लिए डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ कौन सा है, संपत्ति शास्त्र है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। क्या प्रश्न है हमारा, ज्ञान राशि के संचित कोष ही का नाम साहित्य है, यह पंक्ति किस साहित्यकार की है, आपको बताना है। ज्ञान ही के संचित कोष का ही नाम साहित्य है, ये आपको बताना है, किसकी पंक्ति है, किसने कहा है ऐसा। ज्ञान राशि के संचित कोष
का ही नाम साहित्य है, यह किसने कहा है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या मुक्ति बोध ने? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, किसने कहा है ऐसा? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ज्ञान राशि के संचित कोष ही का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोष ही का नाम साहित्य है, ये कहा है किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत महत्वपूर्ण है ये, ज्ञान राशि का संचित कोष मानते थे कौन? मानते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा देते हैं, ये गलत होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा, जिनके नाम के आधार पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और बता देती हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। भाषा व साहित्य का व्यवस्थापक भी कहा जाता है इनको, भाषा व साहित्य का व्यवस्थापक, ठीक है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका में व्यवस्था का क्या किया है? माध्यम बनाया है व्यवस्था को, सरस्वती पत्रिका में, ठीक है। कई प्रश्न आपको मिल गए हैं, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, उन्होंने व्यवस्था को माध्यम बनाया है। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि भाषा और साहित्य का व्यवस्थापक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, लाला जी करने लगे छठे छमासे दान। पूछा है कि दोहे में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है या हास्य रस है? वैसे तो रस पढ़ के ना पता चला तो क्या चला, पढ़ने से ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सा रस है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, लाला जी करन लगे छटन छठे चमासे दान। ये पढ़ के ही पता चल रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हंसी उत्पन्न करने वाले कार्यों का जिसमें वर्णन होता है उसे क्या कहते हैं हम? हास्य रस कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र आकार या अजीब वेशभूषा होती है उसे हास्य रस कहते हैं। इसमें क्या है? आधा पत्ता है शरीर पे, और क्या है? पिसा हुआ आटा है, वो शरीर पे लपेट रखा है, कपड़े भी नहीं है, बबूल का पत्ता है और क्या है? आटा है। और क्या कर रहे हैं? ऐसे लाला जी भी क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं, ठीक है। ये हास्य रस है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस शब्द में ए उपसर्ग है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, किस शब्द में ए उपसर्ग है? अभिमान, अनजान, अभाव या अपमान? जल्दी से आंसर दीजिए, किस शब्द में ए उपसर्ग है? ये बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर तो सभी का आना चाहिए और लगभग आ भी रहा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अभाव। अभाव में क्या है? ए उपसर्ग है, ए प्लस भाव। और जो शब्द हैं उनमें ए उपसर्ग नहीं है, अभिमान अभी उपसर्ग है इसमें, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द से पहले लगा होता है। अनजान में अनुपसर्ग है, अभिमान में अब, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें ए उपसर्ग है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? याद रहे, नहीं है पूछा है, तत्पुरुष समास नहीं है। विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर या हिमपात? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है? जल्दी से इन सभी शब्दों के समास विग्रह कीजिए और जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास
नहीं है। चलिए आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। विषधर जो है इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। अब कमेंट बॉक्स में ये बताइए, विषधर में तत्पुरुष समास नहीं है तो समास है कौन सा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा समास है। जब तत्पुरुष तो इसमें है नहीं विषधर में, तो कौन सा समास है? विश्वविख्यात। विग्रह करते हैं इसका हम, विश्व में विख्यात। कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष समास है। ठीक है, विश्व में विख्यात। आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। कारक विभक्ति आ रही है से, आश्चर्य से चकित। विश्वविख्यात, विश्व में विख्यात, में कारक विभक्ति आ रही है उसमें। हिमपात, हिम का पात। तो इन सभी में क्या हो गया? इन तीनों में कारक विभक्ति आई है, तो सभी में क्या है? तत्पुरुष समास है। लेकिन विषधर जो है इसमें कारक विभक्ति नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? इसका विग्रह करेंगे हम, कैसे होगा? विषधर का, विष को धारण करने वाला। विष को धारण करने वाला अर्थात कौन होता है? सांप होता है, सर्प। विष को धारण करने वाला सर्प। ठीक है, अब विष को धारण करने वाले शिव नहीं होते हैं, शिव तो सर्प को धारण करते हैं। सर्पधर बोलते हैं उन्हें, भुजंगधर बोलते हैं। विष को धारण नहीं करते। ठीक है, इसमें क्या होगा? विष को धारण कौन करता है? सांप करता है। तो इसमें क्या होगा? विष को धारण करने वाला अर्थात सांप। विषधर में बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता, इस प्रकार का वाक्य है। मैं किसी योजना का अधूरा नहीं छोड़ता, ये किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है आपको। विधानात्मक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या निषेधात्मक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, पढ़ने से ही समझ आ रहा है कौन सा है। मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता। चलिए आंसर ले लेते हैं, आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, निषेधात्मक। योजना को क्या नहीं छोड़ता? अधूरा नहीं छोड़ता, नहीं आया हुआ है तो क्या हो गया? निषेधात्मक हो गया। ठीक है, नहीं से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, निषेधात्मक होगा। अच्छा ये बताइए कमेंट बॉक्स में, योजना कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जल्दी से बताइए, योजना कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, योजना कैसा शब्द है? चलिए आंसर ले लेते हैं। योजना क्या होता है? बनाई जाती है। तो क्या है ये? स्त्रीलिंग है। योजना बनाया नहीं जाता है, योजना बनाई जाती है। जैसे ये वाली योजना बहुत अच्छी आई है, वो योजना बहुत अच्छी थी। योजना अच्छी होती है, योजना बनाई जाती है, तो क्या हो गया? योजना स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, लड़का चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। लड़का चिट्ठी लिखता है और कर्मवाच्य इसका बनाना है। मैंने अभी पीछे बताया है आपको, इसलिए मैंने ये प्रश्न बाद में लिया है ताकि आप पीछे से समझकर इस प्रश्न को आसानी से कर सकें। जल्दी से कीजिए, रिवाइज है ये आपका। चलिए जल्दी से आंसर बताइए इसका। लड़का चिट्ठी लिखता है, कर्मवाच्य बनाना है, तो कैसा बनेगा? लड़का ने चिट्ठा लिखा, लड़के से चिट्ठी लिखी गया, लड़के ने चिट्ठी लिखा, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। जल्दी से बताइए, अभी मैंने पीछे
दो प्रश्न लिए हैं ऐसे और दोनों में आपको बताया है, आपको जल्दी से बताना चाहिए, समय बर्बाद न करते हुए। चलिए आंसर ले लेते हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। कर्मवाच्य पूछा है, फिर वही क्रिया दोहरानी है, हमें क्या दोहराना है, लिखा, चिट्ठी लिखा नहीं होता है, क्या होती, लिखी होती, यदि चिट्ठी के अकॉर्डिंग क्रिया लगी होती। लड़के से चिट्ठी लिखा गया, लड़के के अकॉर्डिंग लगाया गया, लड़के ने चिट्ठी लिखा, लड़के के अकॉर्डिंग लगाया क्या, लिखा, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि चिट्ठी लिखी जाती है और लड़के के अकॉर्डिंग नहीं लगी है इसमें, ये करता है, किसके अकॉर्डिंग लगी है, चिट्ठी के अकॉर्डिंग हमारी लिखी जाती है, लगी है, ठीक है, कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया लगी है, तो क्या हो गया, ये कर्मवाच्य हो गया। यदि कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लगी होती तो कृतवाच्य होता, ये सभी क्या है, कृतवाच्य है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उस प्रकार से समझा रही हूँ जिस प्रकार से एग्जाम में मैं करती हूँ, ठीक है, इस प्रकार से कोई नहीं समझाता है, लेकिन मैं समझा रही हूँ आपको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम क्या है। ओज रस से जो परिपूर्ण है उस रस का नाम बताना है, शांत रस है, वीर रस है या श्रृंगार रस है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में ये भी है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा होगा आपका आंसर। ओज का मतलब क्या होता है पता है, तेज, प्रताप भी कहते हैं सर, प्रताप, ठीक है, तेजस्वी कहते नहीं, तेजस्वी राजा था। चलिए देख लेते हैं आंसर, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, वीर रस ओज गुण से परिपूर्ण है, ना तो शांत रस ओज रस से परिपूर्ण है, ना श्रृंगार रस, ठीक है, वैसे वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, शांत रस का स्थायी भाव और श्रृंगार रस का स्थायी भाव, रिवाइज करते चलते हैं, इससे क्या होगा, भूलेंगे नहीं, रोज रिवाइज हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद या उदासीनता, वैसे निर्वेद आता है लिखा हुआ, उदासीनता नहीं है, नहीं आता है, लेकिन उदासीनता भी होता है, श्रृंगार रस का रति होता है, ठीक है, बहुत अच्छे, सभी के आंसर बहुत अच्छे थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, महोदय का संधि विच्छेद है, महोदय का संधि विच्छेद बताना है आपको, और ये भी बताना है महोदय में कौन सी संधि है, मैंने आपको ट्रिक बताई है इसकी कैसे करते हैं महोदय का संधि विच्छेद है, महो प्लस दे, महा प्लस ओदय, महान प्लस उदय, महा प्लस उदय, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, ये भी बताना है महोदय शब्द में कौन सी संधि है और संधि विच्छेद भी बताना है, आंसर ले लेते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महा प्लस उदय, कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, ठीक है, एक एक ही मात्रा है तो क्या है, गुण संधि है, लेकिन ये दो एक ही मात्रा होती तो वृद्धि संधि होती, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अच्छा लगने वाला प्रश्न है ये, खबर शब्द का बहुवचन होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, खबर शब्द का बहुवचन क्या होगा, खबरें, खबर, खबरों या अखबार, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, खबर शब्द का बहुवचन क्या होगा। सेशन को लाइक शेयर भी कर दो भाई, इतनी मेहनत के साथ पढ़ाती हूँ, इतना अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आती हूँ, लेकिन आप शेयर ही नहीं करते हो, ये तो गलत बात होती है ना। चलिए आंसर ले लेते हैं, खबरें, खबर, खबरों या अखबार, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
इस प्रश्न का आंसर बहुत लोगों का गलत होने वाला है। चलिए आंसर ले लेते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हमारा, न खबरें होगा, न खबर होगा, न खबरों होगा। खबर का बहुवचन अखबार होगा। पहली बार देखा होगा ऐसा कि ये शब्द ही बदल गया, दूसरा शब्द आ गया इसकी जगह पे। क्यों होगा वैसे बहुवचन इसका अखबार? खबर जो होता है ये सिंगल होता है, लेकिन एक अखबार में बहुत सारी खबर होती हैं। क्या होता है, खबर हमें खबर मिली और खबर का जो हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, अखबार जो होता है उसमें बहुत सारी खबर होती हैं, एक अखबार में बहुत सारी खबर होती है ना, तो खबर का बहुवचन हो गया अखबार। ठीक है, मेरे सेशन से आपको कुछ भी समझ में आया हो या वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। कैसी लगी आपको वीडियो ये आप कमेंट में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले और मैं और भी अच्छी तरीके से वीडियो बना सकूं। मेरे साथ तक इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।